वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये जो पिक्चर मैंने वीडियो पे लगाई हुई है, मुझे शर्म तो आती है ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इनको देख के पढ़ के, लेकिन ये मेरी मजबूरी बन गई थी ये सामने लगाने की। क्योंकि अगर ऐसे मैं आपको ये बातें जो कहना चाहता हूँ ये कहता तो कोई भी मेरी बात ना सुनता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कैसी गंदी बकवास है। अक्सर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे ऐसी देखी हैं, सामने इस तरह की तस्वीर आ जाती है। मुझे ये बताएं कि 2 घंटे वाला 40 मिनट वाला ये ख्याल कहाँ से आपके दिमाग में आया? गंदी फिल्म देखी तब ख्याल आया? एक हया वाले मर्द और औरत को तो पता ही नहीं, उनको इन बातों पे तवज्जो ही नहीं होती यार। कुछ खुदा का खौफ करें, ये टाइमिंग बढ़ाने वाले ये ड्रामेबाजी हैं, खुदा से डरें, अल्लाह से डरें। अब हम बिस्तरी अपनी बीवी से करना चाहते हैं, तरीका अपनाएं। ये आम मामूली जो टाइम होता है 2-3 मिनट, बस बकवास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। अल्लाह के लिए डरो इससे और सुन्नत तरीके अपनाओ। हाँ यार, ये तो देख के डर लगता है, मुझे हैरानगी होती है जो लोग इन चीज़ों को बड़ी गौर और फिक्र से देखते हैं और फिक्र होती है उनको। हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे ये हमें पता चले कि ये टाइमिंग कैसे बढ़ेगी। यार खुदा से डरो, खुदा से डरो। ये क्या जानवरों वाला तरीका, वो काफर लोग हैं यार। वो वीडियो होती है, बकवास होती है, झूठ होता है वो सारा कुछ। पता नहीं कितने क्लिप्स को उन्होंने इकट्ठा किया होता होगा, आप लोग देख के उसको घंटा घंटा। ये कहाँ से आपके जहन में एक फिक्र पैदा हो जाती है भाई, अब घंटा हम बिस्तरी करने? यार खुदा से डरो। मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन भाइयों ये सब बकवास है। इन बातों को अपने ख्याल से निकालें और हया वाले मर्द और भी औरत बने। अल्लाह हम सब को हदायत अता फरमाए और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने वाला बनाए। आमीन।